क्या लॉरेंस बिश्नोई का पूर्व सांसद धनंजय सिंह से कोई रिश्ता है? क्या धनंजय सिंह के कहने पर लॉरेंस बिश्नोई लोगों का अपहरण करता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई धनंजय सिंह के इशारों पर काम करता है? क्या धनंजय सिंह भारत का सबसे बड़ा डॉन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा विधायक अभय सिंह ने यूपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता दिया है और कहा है कि धनंजय सिंह से लोगों को बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी की गौसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह ने धनंजय सिंह को उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई ने उन पर हमला कराया था। अभय सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह के खिलाफ 2018 में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति का जेल से बाहर रहना ठीक नहीं है। धनंजय को किसी तरह का खतरा नहीं बल्कि उससे लोगों को खतरा है। दरअसल प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर की MPMLA कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। धनंजय सिंह को हाल ही में जौनपुर से बरेली जेल भेजा गया था। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय की जमानत को मंजूर कर लिया है। वहीं बीते शनिवार को धनंजय की पत्नी और जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धनंजय सिंह की हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पति पर हमला कराया जा सकता है, जिसके बाद अभय सिंह का तुरंत बयान सामने आ जाता है। और कहा जाता है कि धनंजय सिंह की पत्नी कह रही है कि धनंजय सिंह को खतरा है, जबकि धनंजय सिंह भारत का सबसे बड़ा डॉन है। अभय सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस ने NIA की पूछताछ में इस बात की पुष्टि की। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला कि धनंजय सिंह उत्तर भारत में उसके लिए वसूली और रंगदारी का काम करता है। अभय सिंह ने कहा कि धनंजय सिंह मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहता है और मेरी हत्या करवाना चाहता है, यानी मुझे मरवाना चाहता है। दरअसल सपा विधायक अभय सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग हत्याकांड में धनंजय पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। उस समय मेरे नाना जौनपुर सीट से BJP के सांसद थे। बसपा की सरकार BJP के सहयोग से चल रही थी। धनंजय चाहते थे कि मेरे नाना उनकी मदद करें और मायावती से कहकर उनका बचाव कराएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी से धनंजय सिंह मुझसे अदावत रखते हैं, मेरे परिवार रिश्तेदारों से नाराज रहते हैं और मुझे मरवा देना चाहते हैं। फिलहाल ये बात कितनी सच है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि धनंजय सिंह पर आखिर आरोप क्या है। दरअसल साल 2020 के एक केस में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को MPMLA कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया। मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंगल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय और उसके साथी विक्रम पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ सिंगल का अपहरण किया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। और अब इन सब बातों को लेकर सपा विधायक अभय सिंह का कहना है कि लोगों को पूर्व सांसद धनंजय सिंह डरा कर रखता था और अभी भी वो लोगों को डराने का काम करता है और मुझे भी डराया जा रहा है और धनंजय सिंह मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहता है और मुझे मरवा देना चाहता है। इतना ही नहीं, सपा विधायक अभय सिंह ने योगी मोदी की तारीफ भी की। धनंजय सिंह के बारे में अभय सिंह ने कहा कि कितने लोगों के मंगलसूत्र सिंदूर मां के आंचल को धनंजय सिंह ने सूना कर दिया। सपा विधायक अभय सिंह ने मोदी योगी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं सनातन की बुराई करने वालों के साथ नहीं हूं, जहां भगवान राम का सम्मान नहीं है मैं वहां नहीं हूं। यानी अभय सिंह सपा से तो हैं, लेकिन सपा को बागी तेवर दिखा रहे हैं। इस वक्त धनंजय की पत्नी बसपा की प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सपा विधायक अभय सिंह पर्दे के पीछे से BJP के लिए खेल रहे हैं ताकि BJP विजय हो पाए। खैर, अभी चुनाव है और चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और वो जानती है कि किसके आरोपों में कितना दम है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।